टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सीरीज दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर योर कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपरेशन तो ये वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो है एंड जैसा कि आपको इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि इस सीरीज में हम टेन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो में सो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की बी एच एंट्रेंस में आउट ऑफ वन फिफ्टी कंप्यूटर अवेयरनेस से सिक्स क्वेश्चन आते हैं एंड स्टूडेंट्स ईजी सा टॉपिक है ये अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन स्ट्रेट अवे सिक्योर सिक्स मार्क्स एंड आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये कैसा सब्जेक्ट है दैट इट Can be a game changer because bhu may have one single marks changes your rank it changes literally everything and uh, just to remind students to prepare well you all need to cover more and more topic and practice more and more mcqs and as i'm here to help you all for that i'll be providing content regularly until your exams will be conducted and yes before starting the video i will uh,

ऑलरेडी स्टूडेंट्स right, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे मेमोरी मेजरमेंट को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड यहाँ पे जो भी ऑप्शंस uh, अवेलेबल हैं आपके पास इसमें से सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है ये पूछ रहे हैं ठीक है तो ए इज़ मेगा बाइट बी गीगा बाइट सी बाइट या डी टेरा बाइट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी बाइट इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स एंड आई विल सजेस्ट ये आप साइड बाई साइड नोट्स बनाते चले मेरे वीडियोज़ के क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लिए ये uh, नोट्स कब यूज़फुल होंगे जब लास्ट टाइम आ जाता है एग्जाम से जस्ट पहले जो आपका काउंट डाउन फेज़ होता है ना बेसिकली वहाँ आपके बनाए हुए ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है तो आप वीडियो के साइड बाय साइड आप वीडियो देखते भी जाइए एंड अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए एंड अगर आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है इवेल्यूएट करनी है तो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना एक आंसर एक कॉपी पेन लेकर बैठिए उस पर नोट करते जाइए एंड वीडियो के एंड पे ये चेक करिएगा कि आपके आउट ऑफ टेन कितने जो है ना करेक्ट हुए एंड अगर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो रोम होता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी ठीक है इसमें जो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बेसिकली तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना आपका फर्मवेयर ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसे आप मार्क कर लीजिए एंड फर्मवेयर के बाद एंड आई थिंक फर्मवेयर के बारे में आप सभी ये जानते होंगे कि जो भी प्रोग्राम्स हम रोम में स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्म ठीक है तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट था नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर थ्री कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैश मेमोरी होती है ये किन दो के बीच में ही एक्ट करती है हमेशा ये कौन से जो है कॉम्पोनेंट्स हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स ए सी पी यू एंड हार्ड डिस्क बी इज रैम एंड रोम सी इज सी पी यू एंड रैम या डी ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सी सी पी यू एंड रैम

इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज इन प्रोग्रामिंग द फर्स्ट कंप्यूटर्स ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कंप्यूटर की हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है बेसिकली ठीक है वो भी आपको पता होना चाहिए कि पुराने टाइम में कंप्यूटर्स की जो है क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स uh, हुआ करते थे या क्या उनके मेन कॉम्पोनेंट्स थे तो यहाँ पे आपसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज इन प्रोग्रामिंग द फर्स्ट कंप्यूटर्स तो जो पहले कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स उनकी प्रोग्रामिंग के लिए इनमें से क्या यूज हुआ था ऑप्शन आपके पास ए ऑब्जेक्ट कोड बी सोर्स कोड सी मशीन लैंग्वेज या डी असेंबली लैंग्वेज तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स सी मशीन लैंग्वेज इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन प्रोग्रामिंग दी फर्स्ट कंप्यूटर्स ठीक है इसे so, नोट कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर फाइव एनालॉग कंप्यूटर वर्स ऑन दी सप्लाई ऑफ तो स्टूडेंट्स जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये किसकी किस तरह से वर्क करते हैं इनकी वर्किंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ए इज फिजिकल स्ट्रेंथ बी इज नेचुरल स्ट्रेंथ सी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या डी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस तो स्टूडेंट्स जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ना उनमें ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सिस की जरूरत होती है ठीक है ये इसी के बेसिस पे वर्क करते हैं ठीक तो है तो यहां पे डी ऑप्शन बेसिकली आपका करेक्ट है आप मार्क कर सकते हैं एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेते क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग तो स्टूडेंट्स जब फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इनमें से किस में यूज़ हुआ था ये पूछ रहा है आपसे ए कंप्यूटर्स बी कैलकुलेटर्स सी टेलीफोन्स या डी प्रिंटर्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ कैलकुलेटर्स में हुआ था ना कि कंप्यूटर्स में आई होप अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तुक्का मारा होगा कि कंप्यूटर्स में यूज़ हुए होंगे बट जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर्स में यूज हुए थे ना कि कंप्यूटर्स में यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स बिकॉज इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो दिखते बहुत आसान है हमें लगता है इसका आंसर तो बिल्कुल कंप्यूटर्स ही होगा हमने टिक कर दिया बट वो गलत हो जाते हैं कई बार ठीक है तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को हमेशा समझ के आंसर किया कीजिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लेतेवन है द मेन main... द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज तो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसे हम और क्या कहते हैं ठीक है हार्ड डिस्क तो नहीं होता ये सब जानते हैं प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी तो स्टूडेंट्स हमेशा जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा इसे मार्क कर लीजिए नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर एट वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू थ्री सी यानी कि डब्ल्यू 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 सी का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंड स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि हमेशा कंप्यूटर्स से ना एब्रीविएशन बहुत से पूछे जाते हैं एंड ये सारे ही एब्रीविएशन्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक सेपरेट वीडियो ओवर ओवर एब्रीविएशन्स आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा चैनल पर एंड उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िएगा और इससे पहले भी मैंने एक दो एब्रीविएशन के इस तरह के वीडियोस प्रोवाइड किए थे इससे पहले वाले सेशन में जिसमें सिर्फ मैंने एब्रीविएशन से ही बताए हैं बेसिकली वो टर्म क्या है ये भी एक्सप्लेन किया है साथ ही साथ सो so दैट आपको याद करने में भी आसान रहे और एटलीस्ट पता रहे कि ये टर्म जिसका एब्रीविएशन आप पढ़ रहे हैं या फुल फॉर्म याद कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या ठीक है तो आप उन वीडियोज़ को भी रेफर कर सकते हैं आपको चैनल की प्ले में मिल जाएंगे फिलहाल इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि वॉट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू 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 सी यानी कि डब्ल्यू थ्री सी ठीक है तो हम सब जानते हैं कि डब्लू डब्बू डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है वो आपको सभी ऑप्शन में कॉन्स्टेंट दिख रहा होगा आपको सिर्फ ये सी का फुल फॉर्म क्रैक करना है कि सी स्टैंड फॉर वॉट ठीक है तो पे स्टूडेंट्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है इसे आप मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स एंड बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अटेबल टर्म फॉर एनी प्रोग्रामेबल कंटेंट ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस डिस्ट्रेसिग्रेशन and data for application specific integrated circuits programmable uh, logic devices etc सो स्टूडेंट्स आई अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में बहुत लेंदी लग रहा होगा इसे आप ब्रेक करके पढ़िए आसानी से आपको समझ भी आएगा बिकॉज ये ह्यूमन uh, नेचर है ऑफकोर्स कि हम जितनी भी ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन अगर लेंदी है इतना तो ये पक्का डिफिकल्ट भी होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा होता है कि जितने भी ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर बहुत ही सिंपल और छोटा सा होता है जैसा कि आप इस के, केस में भी देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ना जितना भी स्टेटमेंट ये एक टर्म को डिफाइन कर रहा है और आपको सिर्फ उस टर्म को फिगर आउट करना है कि वो कौन सी टर्म है जिसके बारे में यहां पे क्वेश्चन में बात हो रही है ठीक है इसे फिर से पढ़ती हूं मैं आपको समझ में आएगा बेटर शायद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टर्म फॉर एनी प्रोग्रामेबल कंटेंट ऑफ ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस ठीक है हार्डवेयर डिवाइसेस में जो कन्फिग्रेशन के लिए जितना भी कंटेंट uh, होता है दैट टू कौन सा कंटेंट प्रोग्रामेबल कंटेंट एंड द डेटा फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ए एस आई सीज जो होते हैं उनके लिए एंड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस ठीक है ये uh, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे ये फर्मवेयर के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सिर्फ टर्म uh, जो है ना बेसिकली उस टर्म को आइडेंटिफाई करना था फिगर आउट करना था गिवन स्टेटमेंट से तो यहां पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसे आप मार्क कर लीजिएगा एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट वन फॉर टुडे इसमें क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे पूछ वट इज द फुल फम ऑफ ए डी एस एल तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको कही रही थी कि एब्रीविएशन जरूर से पूछे जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के केस में ठीक है जिन भी एंट्रेंसेज में या जिन भी एग्जाम्स में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस अगर मैंशन होता है तो वहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी एब्रीविएशन हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स एम सी क्यू के फॉर्म में भी आते हैं एंड आई थिंक कि ये सारे ही एब्रीवियेशंस आपको पता है ये पता हो ये जरूरी नहीं है बट येस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितना जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे इसको उतना ही आप जो है कवर कर पाएंगे इस एक पर्टिकुलर सब टॉपिक को जो कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट है ऑफ कोर्स तो यहां पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल तो एडीएसएल का फुल फॉर्म आपको बताना है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना आपका ए सीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसे आप मार्क कर लीजिएगा एंड बिल्कुल अच्छी तरह से आप अपने नोट्स में इन्हें मैंशन कर लीजिए इस तरह के जितने भी फुल फॉर्म है एब्रीवियशन है फर्दर वीडियोज़ में आपके लिए जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एब्रीविएशनस हैं उन्हें मैं कवर करूँगी एक सेपरेट वीडियो में सो so, फिलहाल आज के लिए इतना ही था ठीक है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आई होप दी टॉपिक वॉज क्लियर टू यू इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप दैम इन दी 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 कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न यू कैन मेल मी एट एम फॉर बी एच यू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आपको मेरी मेल आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डी एम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आपको एम फॉर बी एच यू का पेज मिल जाएगा एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डो नॉट फरगेट टू हट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स